गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो नेक्स्ट स्लीव हम बनाने जा रहे हैं वो है पफ स्लीव। ठीक है, तो पफ स्लीव के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, हमें ड्रॉ करनी है। एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, एक हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को काटते हुए परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब जो है हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें जो नेक्स्ट जो स्टेप हमें यूज करना है वो क्या करना है कि हमें जो है हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी बोथ साइड जो है 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क करना है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। एंड आफ्टर मार्किंग पॉइंट हमें क्या करना है कि जो हमारे जो बेसिक स्लीव है जिसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर रखा है उसको हमें कैसे ऐसे रखना है कि हमारी जो साइड सीम है जहाँ पे हमारी स्टिच आएगी, तो जो 5 सेंटीमीटर जो पॉइंट हमने मार्क किया है वहाँ से हम जो है हमारी स्लीव को रखेंगे। एंड जो है इधर अगर जो साइड सीम जो हम यूज करेंगे स्टिच करेंगे तो वहाँ पे हमें ये जो है 2.5 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से हमें सेट करना है। 2.5 पहले हम जो है 2.5 सेंटीमीटर स्लीव पे मार्क कर लेंगे। एंड अब ये जो है 2.5 सेंटीमीटर ये मैंने स्लीव पे पॉइंट मार्क कर लिया है। और अब हमें जो है जो मेरी स्लीव का फ्रंट है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसको जो है फ्रंट को 2.5 सेंटीमीटर तक ही क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब जो नेक्स्ट है ऐसे ही जो जहाँ पे मेरी साइड सीम आएगी जहाँ पे मैं स्टिच करूँगी स्लीव को, तो वहाँ पे जो है 2.5 सेंटीमीटर मुझे बैक साइड में भी जो हमारी जो कैप वाला पॉइंट है उससे जो है लोअर साइड हम जाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर पे जो है पॉइंट लगा देंगे। और सेम जो है जैसे मैंने जो है फ्रंट को ड्रॉ किया था मेरी जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको और हमें इंक्रीज कर लेना है। और जहाँ पर हमारी जो है 2.5 सेंटीमीटर जो है मैंने इसको रख के ड्रॉ कर दिया। और इसको 2.5 सेंटीमीटर से होते हुए जो कैप पार्ट है स्लीव का उसको हम ड्रॉ कर दें। तो ये हमारा है बैक एंड ये है फ्रंट, बैक एंड फ्रंट हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम जो है आते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमने मेन जो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी है उससे हम जो है डाउन साइड में जो 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा है 1 सेंटीमीटर एंड ये बोथ साइड है 5 सेंटीमीटर। एंड इस 1 सेंटीमीटर से होते हुए जैसा हम हमेशा करते हैं एक कर्व लाइन जो है हमें ड्रॉ करनी है। और इस कर्व लाइन को हमें मैच करना है जहाँ पे हमारी साइड सीम जो है आ रही है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो है जो हमारी दोनों स्लीव्स हैं उससे जहाँ पे ये आएंगी उससे हमें 3 सेंटीमीटर अप साइड में, जो हमारी टिप पॉइंट है उनसे 3 सेंटीमीटर अप साइड में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये जो दोनों जो हमारी स्लीव है जो फ्रंट और बैक है जिसको हमने ड्रॉ किया है दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस है वो जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। टोटल जो स्पेस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और तो हम अप साइड में जाके भी इसको जो है मेजर कर लेंगे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है एंड इधर ही ये हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसको हमें अप कर देना है। और इसको इस स्ट्रेट लाइन को इधर से मैच कर लेना है। ठीक है, अब ये जो है हमारी परपेंडिकुलर लाइन और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दोनों की जो हमारे फ्रंट और बैक की जो क्या पॉइंट है जिनको हमने मैच कर लिया उससे 3 सेंटीमीटर अप साइड में हमने एक पॉइंट मार्क किया है। ये है 3 सेंटीमीटर अप साइड में एंड इसको हम जो है कर्व देते हुए हमारी जो मेन फ्रंट और बैक पार्ट है उसके साथ उसको हम क्या करेंगे मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फाइनली हमारे जो ये कर्व एरिया है आउटर कर्व एरिया है एंड ये हमारा कितना है 2.5 सेंटीमीटर एंड जो अप साइड में जो हमने 3 सेंटीमीटर अप साइड में जो कर्व एरिया दिए तो ये जो हमारी आउटर लाइन है उसको हम कट कर देंगे और ये है हमारी पप स्लीव। थैंक यू क्लास।